हेलो हेलो, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस एस खन्ना गर्ल्स जूडी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ अलाहाबाद। एंड नाउ डेज वी आर डिस्कसिंग वेरियस इश्यूज ओवर प्राइमरी एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन यू कैन से। एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट टॉक्ड अबाउट एक्ट related to education in India, Right to Education, RTE Act 2009. Okay, and in general, this lecture, this video is very useful for all of us, all Indians. Okay, so first of all, हम बात करने जा रहे हैं Right to Education Act 2009 की। तो हम शुरू करेंगे कि कहाँ से शुरू हुई है। देश आजाद हुआ और जब हमारा संविधान लिखा गया उसमें भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात थी, लेकिन तब वो कानून नहीं था। तब वो क्या था? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जिक्र था, जो राज्य के नीति निर्धारक तत्व होते हैं, नीति निदेशक निर्देशक तत्व होते हैं, जो निर्देशित करते हैं राज्य को कि आप ऐसे नीतियां बनाइए। उसमें डायरेक्ट किया गया था राज्य को कि आप कीजिए, क्या कीजिए ओरिजिनली। ये बहुत पूछे जाने वाला सवाल है और बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज होता है, और हम एकदम क्लियर हमको होना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये आर्टिकल 45 में जिक्र था, जिसको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। इन द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड द स्टेट, ये स्टेट को ऑप्शन नहीं था, ऑप्शनल नहीं था, जरूरी रूप से अनिवार्य रूप से कहा गया था राज्य को कि टू एंडेवर टू प्रोवाइड, कि आप प्रयास कीजिए प्रोवाइड करने का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा ऑल चिल्ड्रेन, सभी बच्चों को किस उम्र तक? अप टू एज 14 इन ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स। वो कह रहे हैं कि जैसे देश आजाद हुआ संविधान लिखा गया तो कहा गया कि संविधान के लागू होने के 10 वर्ष के भीतर ही आप मतलब हर राज्य ये प्रयास करे कि वो 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दे दे। समझ में आ रही बात? तो ये कितनी पुरानी बात है और हम इसको आज तक हासिल नहीं कर पाए हैं, और इसलिए क्योंकि इसमें बहुत दिक्कतें थी, बहुत सारे इसमें लूप होल्स थे, इसीलिए इसको कानून का दर्जा दे दिया गया। कैसे दिया गया? क्रमवार चले हैं। आर्टिकल 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के रूप में था, फिर उसके बाद जो हमको पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मिलता है जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की जाती है, वो राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट है, आचार्य राम मूर्ति कमेटी रिपोर्ट जो 1990 में पेश हुई। ये वो पहला ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें राइट टू एजुकेशन की बात की गई। इसके अलावा कब इसका जिक्र हुआ? द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स जजमेंट इन उन्नीकृष्णन जेपी वर्सेज आंध्र प्रदेश 1993, मतलब 1993 में सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है कि एवरी चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री हैज ए फंडामेंटल राइट टू फ्री एजुकेशन अंटिल दे कंप्लीट 14 इयर्स ऑफ एज। ये देखिए बार बार 14 इयर्स ऑफ एज क्यों आता है, 6 to 14 सोचते होंगे आप ना, क्यों? क्योंकि तब प्री प्राइमरी एजुकेशन तो होती नहीं थी, तो सीधे बच्चे का क्लास फर्स्ट में एडमिशन होता था, और फर्स्ट से ले, और वो किस उम्र का होता था उस वक्त? 6 इयर्स का। हम लोग, आप लोग देखिए, आपके मम्मी पापा, हम लोग के मम्मी पापा ने पढ़ाई शुरू की कक्षा 1 से, और वो बच्चा लगभग, क्योंकि 3-4 साल के बच्चे का एडमिशन ही होता था, 6 साल तक का बच्चा हो जाता था तब उसका एडमिशन होता था, वो गया क्लास फर्स्ट में डायरेक्टली, और फिर फर्स्ट से लेकर 8th तक की पढ़ाई जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो गई। तो उम्र हो गई 6 से 14, यानी कि 14 वर्ष तक का बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेगा। कहाँ तक? कौन सी क्लास तक? 8th क्लास तक। कह रहे हैं कि फर्स्ट से 5th जो है वो प्राइमरी है, और 6th, 7th, 8th अपर प्राइमरी है। इसीलिए जब वो यूपीई की बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, तो वो 5th एजुकेशन, 5th स्टैंडर्ड कंप्लीट करने की बात करते हैं। जब वो यूईई की बात करते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई हो जाए बच्चे की, ये बात करते हैं। तो ये आप 6 to 14 का कंसेप्ट समझ लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है और कहता है कि देश के प्रत्येक बच्चे का ये कानूनी अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कि आप उसको फ्री एजुकेशन देंगे जब तक कि वो 14 वर्ष की उम्र का ना हो जाए, या कहने का मतलब कि क्लास 8 तक की पढ़ाई या एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी ना कर ले। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट 2002। हम लोग जब एमिट कर रहे थे 2006 में, तो ये नया नया था, तब 2002 क्या है ना, तो बहुत इस पर बातचीत होती थी। तो जो 86वां संशोधन संविधान में किया गया, जो कि वर्ष 2002, सब पूछे जाने वाले सवाल है कौन सा अमेंडमेंट
86th अमेंडमेंट किस ईयर में किया गया? 2002 में किया गया. कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया गया? आर्टिकल 21A इंसर्ट किया गया. द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A. क्योंकि हम कहीं और हमको कुछ ना कुछ इंसर्ट करना पड़ेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो लिख दिया गया है, तो हमने आर्टिकल 21A इंसर्ट किया. और क्या कहा? इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine. इसमें ये जो state may by law determine है, यही है जो इसको कानून बन, मतलब ये कानूनी, मतलब आप कह सकते हैं इसकी legislation, मतलब आप इसके खिलाफ court में नहीं जा सकते थे यहां तक, क्योंकि ये कह रहा है स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, क्योंकि राज्य ये डिटरमाइन करेगा. तो राज्य को जो हमने ये डिटरमिनेशन का अधिकार छोड़ दिया, ये इतना सा लिख के स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन, इसी की वजह से ये कानून पूरी तरीके से नहीं बन पाया था. लेकिन कह दिया गया इसी में, देखिए 2002 में ही कह दिया गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स एज अ फंडामेंटल राइट. लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमी थी, क्योंकि ये इसमें ये स्टेट में बाय लॉ डिटरमाइन का क्लॉज फंस रहा था. फिर क्या हुआ? 86th amendment provided for a follow-up legislation for right to education bill 2008 and finally right to education act 2009. तो ये जो 86वां संशोधन था, इसी ने follow-up करते करते कई बार आया, 4 में 7 में 8 में, करते करते 2008 में ये education bill pass हुआ और finally ये act अधिनियम बनता है 2009 में. और लागू कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2010 से. कहीं लिखा होगा द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 व्हिच रिप्रेजेंट्स द कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन. देखिए ये पहली बार कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन आया, इसके पहले कहीं कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन नहीं था. मतलब इसके परिणाम स्वरूप आप किसी को कानूनन अपराधी नहीं घोषित कर सकते थे. जब अब राइट टू एजुकेशन आ गया है, जब फंडामेंटल राइट आ गया है, अब इसका कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन है. इसका मतलब है कि आर्टिकल 21A इंसर्ट करके कहा गया है दैट एवरी चाइल्ड हैज अ राइट टू फुल टाइम elementary education of satisfactory and equitable quality. ये भी नहीं कि ऐसे ही बस किसी तरह पढ़ाई करा दीजिए, आपको संतोषजनक रूप से समता पूर्वक समानता के साथ equitable समता मूलक तरीके से एक formal school में पढ़ाना होगा which satisfies certain essential norms and standards. और आपको कुछ मतलब मूलभूत मानक और स्टैंडर्ड भी पूरे करने होंगे. नीड टू एड्रेस inadequacies इन रिटेंशन, residual एक्सेस particularly ऑफ unreached चिल्ड्रेन एंड equations ऑफ क्वालिटी आर the मोस्ट compelling reasons फॉर द insertion ऑफ आर्टिकल 21A इन the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड the पैसेज ऑफ the RTE एक्ट 2009 इन the पार्लियामेंट. मतलब जो रिटेंशन धारण में दिक्कत आ रही थी, जो एक्सेस सब तक नहीं थी, जो अनरीच चिल्ड्रेन मतलब जहां तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही थी, ये सारे जो क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, इन्हीं ने ही रास्ता प्रशस्त किया, पथ प्रशस्त किया कि आरटीई एक्ट 2009 आ जाए, जिसका कि हम कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन शो कर सकें. फिर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000. ये भी पूछा जाने वाला सवाल कि आरटीई एक्ट आ तो 2009 में गया, पर कब से लागू है? ये 1 अप्रैल 2010 से भारतवर्ष में लागू है. आर्टिकल 21A एंड द आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2010. अब इसमें जो ये फ्री एंड कंपलसरी की बात करते हैं, तो फ्री एजुकेशन का क्या मतलब है और कंपलसरी एजुकेशन का क्या मतलब है समझ जाइए. फ्री एजुकेशन कहते हैं कि मींस दैट नो चाइल्ड other than a child who has been admitted by his or her parents to a school which is not supported by the appropriate government. अगर ये वो सरकारी स्कूल नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सरकारी स्कूल है तो shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing elementary education. मतलब कोई भी child को अगर वो सरकारी स्कूल में है तो उसको आप किसी भी तरीके की fee या charge या expense नहीं देना होगा जो कि उसको रोकता है. मतलब गरीबी है, पैसा नहीं है, नहीं चाहते माँ बाप की बच्चे के पैसे शिक्षा पर रुपए खर्च किए जाएं, पैसे खर्च किए जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा सरकारी स्कूल में. कहने का मतलब कि उसकी शिक्षा पूरी तरह से निःशुल्क होगी. और कंपलसरी एजुकेशन का क्या मतलब है? कास्ट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटीज टू प्रोवाइड एंड इंश्योर एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बाई ऑल चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप. वो कह रहे हैं कि appropriate government and local authorities to provide and ensure, मतलब कि
एडमिशन भी हो जाए, अटेंडेंस भी बच्चे की रेगुलर रहे और वो कंप्लीट भी करे एलिमेंट्री एजुकेशन. ये कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब है. विद दिस इंडिया हैज मूव फॉरवर्ड टू अ राइट्स बेस्ड फ्रेमवर्क दैट कास्ट लीगल ऑब्लिगेशन. अब हम कानूनी उस पर कार्यवाही कर सकते हैं अगर आप अपने पेरेंट्स के रूप में आप अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने नहीं भेजते हैं, अगर राज्य कुछ कमी रख रहा है शिक्षा पर, है ना, कि वो उस तरह से कानूनी अधिकार हो गया उसके बावजूद अच्छी शिक्षा नहीं प्रोवाइड करा रहा है, तो लीगल ऑब्लिगेशन अब बनता है ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू इंप्लीमेंट दिस फंडामेंटल चाइल्ड राइट एज एनश्राइंड इन द आर्टिकल 21A. अब सेलिएंट फीचर्स ऑफ RTE एक्ट 2009, ये जो आ गया, ये अधिनियम बन गया, उसके बाद कानून बन गया, ये लागू भी हो गया है, तो इसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं कि चिल्ड्रन बिटवीन 6 टू 14 इयर्स ऑफ एज हैज द राइट ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंटिल द कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन. 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये अधिकार है कि आप उन्हें मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देंगे जब तक कि वो अपनी मतलब अपर प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई या एलिमेंट्री स्टेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेता है, पहली बात. दूसरी बात, अब ये जो 6 to 14 कर रहे हैं ना, मतलब ये जो एज ग्रुप है, अब आप कहेंगे अब तो प्री प्राइमरी एजुकेशन आ गई है, तो प्री प्राइमरी से वो क्लास फर्स्ट में 6 तक आ जाए, ये मतलब है. तो फर्स्ट से लेकर 8 तक 6 to 14, और पहले प्री प्राइमरी बहुत पहले मतलब जब की बात है तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जैसा कंसेप्ट नहीं था, सीधे क्लास फर्स्ट में एडमिशन होता था. ECCE का कंसेप्ट तो बाद में आया ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ओके, फिर नो होल्डिंग बैक ऑफ चाइल्ड इन द सेम क्लास और एक्सपेल्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. वो कह रहे हैं कि जब तक बच्चा अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेगा तब तक आप उसको क्लास में रोकेंगे नहीं, या आप उसको क्लास से निकालेंगे. क्लास में रोकना निकालने का मतलब क्लास में रोकना निकालना नहीं है, मतलब कि फेल कर, नो डिटेंशन आ गया ना, कि आप किसी को फेल नहीं करेंगे, उसी क्लास में नहीं रोकेंगे, क्लास में रोकने का ये मतलब है. स्पेशल ट्रेनिंग, ओ माई गॉड, ये ट्रेनिंग है, हाँ रेनिंग हो गया है. स्पेशल ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप हु हैज नॉट बीन एडमिटेड इन एनी स्कूल एंड कुड नॉट कम्प्लीट हिज और हर एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास अप्रोप्रिएट टू देयर एज. अगर बच्चा फॉर्मल एजुकेशन से ट्रेन नहीं है तो आप उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे जो कि उसकी एज अप्रोप्रिएट हो. नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन टू स्कूल ऑन एनी ग्राउंड, किसी भी बेसिस पर, किसी भी ग्राउंड पर, क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे आप किसी बच्चे के एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं. फिर प्रिस्क्राइब न्यू नॉर्म्स फॉर स्कूल्स विद रिगार्ड टू टीचर प्यूपिल रेशियो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फैसिलिटीज मेंट फॉर द स्टूडेंट्स. अब हमको नए मानकों के संग विद्यालयों का निर्माण करना होगा कि कितना शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिक जो नीडेड है, डिफरेंट फैसिलिटीज बच्चों के लिए है कि नहीं है. देन मैंडेट्स इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार मैंडेटरी है, मतलब करना ही करना है आपको. नो चाइल्ड बी सब्जेक्टेड टू फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हरेसमेंट, किसी भी बच्चे को आप शारीरिक दंड और मानसिक रूप से परेशान नहीं कर सकते हैं. स्कूल्स कैन बी क्लोज डाउन इफ नॉट मीट द नॉर्म्स सेट फोर्थ इन शेड्यूल ऑफ द एक्ट. वो कह रहा है कि जिस एक्ट के शेड्यूल में जो जो लिखा है उस मानकों के तहत अगर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय बंद कर दिया जाएगा. फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि आपको पता है कि शिक्षा जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आती है, राज्य और केंद्र दोनों का ये जिम्मा है, इसलिए जो इसका बोझ आएगा, जो फाइनेंशियल बर्डन आएगा, वो राज्य और केंद्र सरकार मिलकर शेयर करेंगी. अब ये रेशियो सेट हो जाएगा कि 25-75 है, ये 60-40 है, 30-70 है, क्या है. बैंस कलेक्शन ऑफ एनी कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एडमिशन इन प्राइवेट ट्यूशन. आप प्राइवेट ट्यूशन कैपिटेशन सारी फीस नहीं लेंगे और कोई टेस्ट नहीं, स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराएंगे बच्चे का एडमिशन के समय. स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट आ चुका है, तो CWSN जो है, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान होगा, ताकि हम क्या कह रहे हैं, ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स को आप एलिमेंट्री, यानी ऑल में सब आ जाएंगे, यानी आप किसी को भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते. फिर इंस्टेड ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन अ न्यू सिस्टम ऑफ इवेल्युएशन कॉल्ड कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन दैट इज CCE इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑल द स्कूल्स. वो कह रहे हैं कि अब आप देखते ही होंगे आपके आसपास के बच्चे, छोटे बच्चे जब क्लासेस में पढ़ते हैं, तो अब ऐसा नहीं होता है जैसे पहले होता था कि एक सालाना, ईयरली, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. अब CCE चलता है, थोड़ा पढ़ाइए, फिर थोड़ा सा पूछिए, फिर लगातार पूछते रहिए. मतलब एक तरीके के कहने का मतलब है कि हमको तुरंत फीडबैक देना है, बार बार उनसे पूछना है, पूछने की प्रक्रिया जारी रखनी है. तो एक कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सतत चलेगा मूल्यांकन, मतलब टीचिंग के संग इनबिल्ड हो गया है.
ऐसा नहीं है कि पूरा पढ़ा लेंगे फिर लास्ट में इवेलुएशन करेंगे. तो टीचिंग भी चलती रहेगी, इवेलुएशन भी चलता रहेगा और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, मतलब क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी होगा. बहुत सारे एस्पेक्ट सब जज किए जाते हैं, इवेलुएट किए जाते हैं एंड क्लियरली डिफाइंस एंड स्पेसिफाइज कमिटी एज वेल एज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीचर्स एंड पेरेंट्स टूवर्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. मतलब कि पेरेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा राज्य की ही जिम्मेदारी नहीं. आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए और जितनी भी आपकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में, वो टीचर पेरेंट्स सबको पूरी करनी है. तो बहुत ये विशद, बहुत चीज़ों को कवर किए हुए ये RTE एक्ट 2009 है, बहुत कुछ इसमें जानने के लिए. लेकिन हम एक तरीके से जर्नी ऑफ RTE एक्ट 2009 ये आपसे शेयर करना चाहते थे कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन 45 आर्टिकल 45 में था, ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो DPSP में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ कहा गया था कि स्टेट विल एंडेवर टू प्रोवाइड. फिर उसके बाद 86वां जब नहीं, फिर उसके बाद 1990 में राममूर्ति कमेटी में इसका जिक्र किया गया. फिर 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बच्चे का फंडामेंटल राइट होना चाहिए. फिर उसके बाद आता है आपका 86वां संशोधन जो 2002 में आया, उसने फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया. लेकिन उसने कहा स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन, ये राज्य अपने हिसाब से अपने कानून के हिसाब से तय करेगा, सुनिश्चित करेगा. तो इसमें कॉन्सिक्वेंशियल लेजिस्लेशन नहीं था, आप इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर सकते थे अगर आप कोई कमी पाते. तो तब धीरे धीरे करते करते ये बिल 2008 में पास हुआ और 2009 में अधिनियम बना और 2010 से आपके देश में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ये लागू है. यानी कि अब शिक्षा प्रत्येक बच्चे का कानूनी अधिकार है, आप उससे वंचित उसको नहीं कर सकते हैं किसी भी कीमत पर. ठीक है, तो a very interesting journey of RTE Act 2009 has been covered in this very video. So thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education. I have done from my side.